तो गाइज यार पिछले 1 महीने से ना मेरी हालत यार बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ना गाइज यार ना ही तो हमारे पास बिल्कुल ही पैसे बचे और ना ही सब हमारे पास ना घर बचा, और ना मैं ना 1 महीने पहले गाइज यार ना अपना घर यार एक आंटी को बेच दिया, और ना इसी वजह से ना गाइज यार सिंचन भी ना हमसे भाई साहब यहाँ पर ना गाइज यार रूट के भाई चला गया पता नहीं कहाँ पे, मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। पिछले 1 महीने से ना यार मैं ना यहाँ पर रुका हुआ हूँ, ये फैक्ट्री सी है पता नहीं, और ना कुछ भी नहीं खाया है, और ना बिल्कुल भी यार ना मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची, और समझ भी नहीं आ रहा यार क्या करूँ, क्योंकि पिछले 1 महीने से ना भाई बहुत बुरी हालत चल रही है यार। ओ भाई साहब गाइस यार मैंने जैसे यार इस डस्टबिन को टच करा गाइस यार ये गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। रुको ना एक बार साइड वाले डस्टबिन को भी ना एक बार टच करके देखते हैं, क्या पता गाइस यार ये भी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ओके तो भाई फाइनली यार ये भी ना गाइस यार डस्टबिन गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुका, और ना गाइस मेरे को लग रहा है ना मेरे अंदर यार पावर आ चुके, जो मैं चीज़ें टच करूंगा ना वो यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर तो ना गाइस यार फटाफट से ना सारी चीज़ों को यार यहाँ पर ना गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करते, और फिर गाइस यार ट्रक के अंदर लोड कराएंगे और फिर चलेंगे भाई अपना घर लेने के लिए। तो इस जल्दी से ना फटाफट से यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके तो गाइस तुम्हारे भाई ने ना सारे के सारे डस्टबिन गाइस यार यहाँ पर ना गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ना गाइस यार इधर की साइड ना एक मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है, अभी ना जल्दी से यार ना ट्रक के अंदर बैठते हैं, और ना भाई फिर यार फटाफट से ना गाइस यार इसके अंदर ना लोड करा देंगे भाई सारा का सारा गोल्ड। लेट्स गो, अभी ना जल्दी से ट्रक से उतारते हैं और सारा का सारा गोल्ड यार ट्रक के अंदर लोड कराते हैं। ओके तो गाइस तुम्हारे भाई ने सारा का सारा गोल्ड यार ट्रक के अंदर लोड करा लिया है, तो ना अभी जल्दी से ना ट्रक के अंदर बैठते हैं और ना अपने ट्रक को यहाँ पर ना गाइस यार लेके चलते हैं भाई साहब अपने घर पे, जिन आंटी को भी ना गाइस यार हमने 1 महीने पहले यार घर बेचा था ना भाई, उनसे ना तुम्हारा भाई यार अपना घर ना यहाँ पर वापस मांगने वाला है, और फिर गाइस फाइनली यार मज़ा ही आ जाएगा भाई, अपने नए घर के अंदर जाएंगे और ना मतलब गजब वाला मज़ा ही आ जाने वाला है। तो गाइस यार जल्दी से ना अभी अपने ट्रक को भगाते और पहुँचते घर पर, और ना फिर गाइस यार फटाफट से चलेंगे भाई ना नई नई गाड़ियाँ वगैरह लेने के लिए, और ना सिंचन को भी ना लेके आना भाई लेटर से, ना उसकी लोकेशन पूछनी पड़ेगी पता नहीं यार कहाँ पे होगा वो। तो गाइस जल्दी से ना अभी ट्रक को भगाते और पहुँचते फटाफट से घर पे। ओके तो गाइस यार ना अभी मैं अपने ट्रक को भगाते भगाते ना पहुंचने वाला हूँ गाइस यार फाइनली ना अपने घर पे, बस थोड़ी दूर पे गाइस आगे से ना अपन को लेना है लेफ्ट, फिर ना हम पहुंच जाएंगे यार अपने घर पे। लेट गो ब्रो, अभी ना फाइनली बस हम पहुंचने वाले हैं, और ना भाई देखेंगे गाइस यार आंटी का क्या रिएक्शन होने वाला है, और भाई सिंचन का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ना सिंचन तो यार एकदम मस्त वाला ना गाइस यार यहाँ पर खुश हो जाने वाला है। फिर तो गाइस यार एकदम मज़ा ही आ जाएगा, और ना अपना नया घर भी मिल जाएगा, मतलब सब कुछ हो जाएगा भाई अपने आप, नई नई गाड़ियाँ भी आ जाएंगी गाइस अपने पास। ओके तो गाइस यार मैंने अपने ट्रक को भगाते भगाते ना पहुंचने वाला हूँ गाइस यार अपने घर पे। लो भाई फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच भी चुका है, अभी ना जल्दी से ना अपने ट्रक को मोड़ के यार यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। लेट्स गो, अभी ना फटाफट से यार ना आवाज लगाते हैं आंटी को और देखते हैं यार कितनी देर में आती है आंटी जी। हेलो आंटी जी, फटाफट से घर के बाहर आ जाओ। तो चलो गाइस जब तक आंटी आती है ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर तो ना फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ना गाइस यार ऐसी वीडियो बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और प्लीज यार प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो, और ना भाई यार कमेंट्स में लिख के बताना गाइस यार हम कौन कौन सी अपना गाड़ियां गाइस यार बाय करें, मजा ही आ जाएगा। और आंटी पता नहीं यार कितनी देर में आएगी भाई, इतना टाइम थोड़ी लगता है। ओके तो भाई आंटी आ चुकी है। अरे हेलो आंटी जी। अरे हाँ पंकज बेटा बोल। अरे आंटी जी मैंने आपको 1 महीने पहले घर बेचा था ना, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे को अपना घर वापस चाहिए। अबे क्या बात कर रहा फेंगल, पागल वागल है क्या? अरे आंटी जी पागल वागल की बात है, मेरे को नहीं पता, मेरे को अपना घर वापस चाहिए वरना पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर दूंगा। अरे फेंगल बेटा पुलिस के अंदर कंप्लेंट मत करियो, मेरे पास ना मेरा एक और घर है, मैं उसमें जाकर रह लूंगी बस, तो पुलिस के अंदर कंप्लेंट मत करियो। चलो ठीक है आंटी जी, अपना फटाफट से घर से निकल जाओ सारा सामान लेके। चल ठीक है फेंकल बेटा मैं जा रही हूँ। ओके तो गाइस यार ना फाइनली यार आंटी यहाँ पर जा चुके, तो बिना जल्दी सारा का सारा गोल्ड यार घर के अंदर लोड कराते हैं। ओके तो गाइस तुम्हारे भाई ने ना फाइनली यार सारा का सारा गोल्ड यार घर के अंदर लोड करा दिया है। लो भाई फाइनली यार 1 महीने बाद तुम्हारा भाई अपने घर पे लोड चुका है, और भाई स्विमिंग पूल में ना गाइस यार एक डुबकी तो मारनी बनती है। लेट्स गो भाई साहब, क्या ही तो एकदम खतरनाक वाला ना गाइस यार पर सीन लग रहा है, और आप देख सकते हो भाई अंदर साइड ना तुम्हारे भाई ने ना बेफालतू की चीज़ों को भी ना यहाँ पर गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। लेट्स गो ब्रो, अब तो ना यार मज़े ही मज़े, और ना एक बार देख लेते गाइस यार अपना घर भाई सब ठीक तो है ना, क्योंकि यार 1 महीने बाद यार अपने घर में आए हैं, तो गाइस यार एक बार ना चेक तो करना बनता ही है। लेट्स गो ब्रो, सारी सारी चीज़ें ना एकदम सेफ लग रही है मेरे को, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, सारी की सारी चीज़ें ना बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे यार पुराना अपना घर था। लेट्स गो ब्रो, और ना फाइनली अभी ना जल्दी से घर से निकलते, क्योंकि ना अपने पास भाई कपड़े नहीं है पहनने के लिए अभी फिलहाल के लिए, तो अभी ना जल्दी चलेंगे यार लोसेंट उसकी सबसे महंगी भाई साहब कपड़े की शॉप पे, और ना अभी जल्दी से ना सबसे पहले तो यार इस मॉन्स्टर ट्रक को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके तो गाइस यार इस मॉन्स्टर ट्रक को भी ना हमने कर दिया गोल्ड के अंदर कन्वर्ट, तो ना अभी ना जल्दी से यार ट्रक को भगाते और ना पहुंचते यार ना लोसेंट उसकी सबसे महंगी कपड़े की शॉप पे, फिर चलेंगे भाई सेवन के शोरूम पे, एक तगड़ी चीन अपन को भाई साहब गाड़ी वगैरह भी चाहिए। लेट्स गो, अभी ना फटाफट से यार अपनी गाड़ी को भगाते और ना पहुंचते यहाँ पर यार कपड़ों की शॉप पे। लेट्स गो। ओके तो गाइस तुम्हारा भाई ना फाइनली यार अपने ट्रक को भगाते भगाते ना पहुंचने वाला है ना उसी यार कपड़े की शॉप पे। लो भाई फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच भी चुका है यार। चलो भाई अभी ना जल्दी से ना अपने ट्रक से उतरते हैं और ना यहाँ से यार कपड़े खरीद के आते हैं, देखते गाइस यार ना अपन को भाई सब कौन कौन से ना यहाँ पर कपड़े मिलते हैं। लेट्स गो भाई, मैं तो सोच रहा हूँ ना यार। ओके तो भाई गोल्ड वाला ब्लेजर ले लेते, अच्छा लग रहा है भाई।
चलो भाई फाइनली तुम्हारे भाई ने ना खरीद लिया एकदम गोल्ड वाला ब्लेजर होना भाई यार, अपन को ना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया भाई लिटरली में। और भाई तुम्हारे भाई की लुक देखो एक बार क्या लग रही है। चलो अभी ना जल्दी से अपने ट्रक के अंदर बैठते वरना भाई चलते हैं जल्दी से, लेट्स गो ब्रो। अभी ना फटाफट से पहुँचेंगे यार साइमन के शोरूम पे, वहाँ से ना एक भाई अपन को ना तगड़ी से यहाँ पर सुपर कार लेनी है। और ना देखते हैं उसके पास ना कौन कौन सी गाड़ियों का ना यहाँ पर स्टॉक आए हुए, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए ना उसके शोरूम पे गए हुए। तो अभी जल्दी से अपने ट्रक को भगाते और पहुँचते यार साइमन के शोरूम पे, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार मैं अपने ट्रक को भगाते भगाते ना पहुँचने वाला हूँ साइमन के शोरूम पे। लो भाई फाइनली तुम्हारा भाई यहाँ पर पहुँच भी चुका है, और ना फिलहाल के लिए यहाँ से ना अपन को लेना गाइस यार लेफ्ट, लेट्स गो। और भाई सामने की साइड ना गाइस यार यहाँ पर साइमन खड़ा है, अभी ना जल्दी से जाके यार इससे बात कर लेते हैं। हेलो साइमन ब्रो कैसा है? अरे फैंगल बढ़िया यार, आज कैसे आना हुआ? अरे भाई आज ऐसे आना हुआ, मेरे को ना तेरे शोरूम से एक गाड़ी चाहिए मस्त सी सुपर कार। अच्छा फैंगल चलो यार पसंद कर लो गाड़ी। गाइस यार मैं तो सोच रहा हूँ ना भाई यहाँ पर मस्त मस्त गाड़ी है, और ना ये कुछ ये ब्लू वाली ना कुछ ज्यादा भाई साहब मेरे को ना तगड़ी लग रही है। अभी इस ब्लू वाली गाड़ी का प्राइस क्या है BMW का? अबे इसका पड़ेगा आपको पूरे का पूरे यार 6 करोड़ रुपए। अच्छा 6 करोड़। चलो गाइस ना अभी जल्दी से इसको पेमेंट कर देते और गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से। ओके तो भाई फाइनली ना मैंने गाइस यार इसको पेमेंट वगैरह यहाँ पर कर दिया है, अभी ना जल्दी से यार ना गाड़ी के अंदर बैठते हो भाई साहब। एक सेकेंड यार इस गाड़ी के एक बार साउंड चेक करो भाई लिटरली। ओ भाई ये देखो, देख रहे हो गाइस यार साउंड क्या है गाड़ी की? अरे भाई साहब क्या लग रही है भाई साहब गाड़ी, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब गजब यार गजब लग रही है भाई गाड़ी। ओ भाई अभी ना फिलहाल के लिए जल्दी से ना पर अपनी गाड़ी को भगाते, और साउंड इसका मतलब साउंड सुन के ही ना मन कर रहा है भाई इस गाड़ी को ना बस चलाता रहो। ओ भाई साहब भाई स्पीड तो इसकी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो भाई यार इसकी टॉप स्पीड टेस्ट भी नहीं हो सकती, फुल एकदम एयरपोर्ट वगैरह पे जाना पड़ेगा। चलो गाइज लेट्स गो। अभी ना फिलहाल के लिए ना यहाँ से ना बस थोड़ी दूर पे ना हेलीपैड है, हेलीपैड पे ना बस हम पहुँच ही गए हैं। वहाँ से ना फटाफट से लेंगे यार एक हेलीकॉप्टर और फिर चलेंगे ना गाइज यार सिंचन को लेने के लिए, और ना ये गाड़ी अपने घर यहाँ पर पहुँच जाएगी, मैं इनको बोल दूंगा। चलो अभी ना फटाफट से यार ना यहाँ पर देखते गाइज यार कौन सा हेलीकॉप्टर को अपन को लेना है। यहाँ पे ये वाला तो नहीं पसंद। ओके तो भाई मैं सोच रहा हूँ ब्लैक वाला ले लेते, कुछ ज़्यादा भाई सब तगड़ा सा लग रहा है। चलो अभी ना फटाफट से अपन ना जल्दी से इस गाड़ी को खड़ा करते और हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते और चलते यार सिंचन को लेने, और सबसे पहले इसको गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं फटाफट से। ओके तो गाइस यार इस हेलीकॉप्टर को भी हमने कर दिया गोल्ड के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होना, अभी जल्दी से पहुँचते ना सिंचन के पास। और मैं ना सिंचन की लोकेशन गाइस यार यहाँ पर ना पूछ चुका हूँ मैं ऑलरेडी यार लेस्टर से, तो अभी ना जल्दी से ना अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर भगाते और पहुँचते यार ना सिंचन के पास, और ना भाई उसका रिएक्शन देखें गाइस यार हेलीकॉप्टर को देख के क्या होता है। चलो अभी जल्दी से पहुंचते हैं सिंचन के पास, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार मैंने अपने हेलीकॉप्टर को भगाते भगाते ना यहाँ पर पहुंच चुका हूँ गाइस यार सिंचन के पास, अभी ना जल्दी से यार ना अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर आराम से यार लैंड कराते हैं भाई, क्योंकि क्रैश लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। लेट्स गो अभी ना फटाफट से तुम्हारे भाई ने ना हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा कर दिया है, और ना अभी फटाफट से भागते और ना गाइस यार सामने की साइड ना यहाँ पर यार सिंचन खड़ा है, अभी ना जल्दी से अगर सिंचन को ना यहाँ पर लेके चलते हैं। हेलो सिंचन ब्रो क्या हाल चाल? अबे फैंगल भी यार बढ़िया यार, इतने महीने बाद कैसे आना हुआ? अबे यार सिंचन ऐसे आना हुआ, मेरे पास ना बहुत ज्यादा पैसे आ चुके, और जब मेरे पास पैसे नहीं तो तू मेरे को छोड़ के चला गया था ना। अबे हाँ यार फैंगल भी सही बोल रहा हूँ, आपके पास पैसे आ गए क्या? अबे हाँ भाई अब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ चुके हैं, और ये हेलीकॉप्टर ही मेरा है जो पीछे की साइड पे खड़ा। अच्छा फैंगल भी ऐसा है क्या? चलो यार फिर तो फटाफट से चलो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो गाइस यार यहाँ पर ना फाइनली गाइस यार सिंचन में ना एकदम यार रेडी हो चुके हैं अपने साथ चलने के लिए, और ना सामने की साइड ही खड़ा है ना भाई अपना हेलीकॉप्टर, लेट्स गो ब्रो। चलो भाई सिंचन अब जल्दी से आ जा हेलीकॉप्टर के अंदर, बैठ जा फटाफट से आके, और ना गाइस यार इसको जल्दी से लेके चलते हैं भाई सब घर पे। ओके तो गाइस फाइनली यहाँ पर सिंचन आके बैठ चुका है। सिंचन भाई कैसा लग रहा है हेलीकॉप्टर में बैठ के? अबे फैंगल भी मजा ही आ गया यार, मैं तो जिंदगी में पहली बार बैठा हूँ यार हेलीकॉप्टर में, यार मजा ही आ गया एकदम से। अबे हाँ यार सिंचन सही बोल रहा है भाई, मजा ही आ जाता है यार फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर में बैठने में। तो चलो गाइस यार यहाँ पे ना फटाफट से हेलीकॉप्टर को भगाते और ना पहुंचते गाइस यार घर पे, और ना सिंचन के लिए यहाँ पर ना घर पे एक सरप्राइज भी है एकदम मस्त वाला, और ना भाई सिंचन ने और उस सरप्राइज को देखे ना एकदम मस्त यार खुश हो जाने वाला है तू। अबे अच्छा फैंगल भी ऐसा क्या सरप्राइज है? तो बहुत मस्त सरप्राइज है, घर जाके पता चलेगा वो तो। ओके तो गाइस यार मैंने हेलीकॉप्टर को भगाते भगाते ना पहुंच चुका हूँ गाइस यार यहाँ पर घर पे, और ना सिंचन के लिए ना यहाँ पर एक सरप्राइज भी होने वाला है भाई बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से, और ना फाइनली भाई यार क्रैश नहीं होना चाहिए, क्रैश नहीं होना चाहिए, एकदम सेफ लैंडिंग होनी चाहिए। लेट्स गो अभी ना फटाफट से ना तुम्हारा भाई यार यहाँ पर ना लैंडिंग करा देता, और सिंचन को सरप्राइज बता दूंगा भाई क्या है। अबे नहीं यार फैंगल भी मेरे को देखना यार खुद की आंखों से क्या सरप्राइज है। तो चल भाई जल्दी से हेलीकॉप्टर से उतरो ना फटाफट से आ जा यार मेरे साथ, अब सरप्राइज देखना है तो। चल भाई सिंचन रेडी है ना अब तू सरप्राइज देखने के लिए? अरे हाँ यार फैंगल भी मैं तो रेडी हूँ भाई सरप्राइज देखने के लिए। तो चलो गाइस इन 3 2 1 ये रहा भाई साहब तेरा सरप्राइज। अबे क्या बात कर रहे हो फैंगल भाई, इतना सारा गोल्ड ये हमारा है क्या? अबे हाँ भाई अपना ये क्यों टेंशन ले रहा है, जो मेरे पास पावर आ चुकी है ना अब जो मैं चीजें टच कर रहा हूँ वो यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जा रही है, मैंने उससे कराया सब कुछ। अबे क्या बात है फैंगल भाई, अब तो यार ऐश की जिंदगी जिएंगे एकदम मजा ही आ जाएगा। अबे हाँ यार सिंचन सही बोल रहा है, अब तो ऐश की जिंदगी जिएंगे भाई, किसी बात की टेंशन ही नहीं है। तो चलो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चाहे, अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो यार बाय गाइस।